फ्रेंड्स, शिवाक्षी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं 10 साल की बच्ची के लिए पेपलम टॉप। इसकी मेजरमेंट इस प्रकार है। टॉप की लंबाई हम रखेंगे 20 इंच, जिसमें से 14 इंच की चोली रखनी है हमें और 6 इंच की रफल रखनी है। सीना है 26 इंच, 26 का चौथा हिस्सा लेंगे 6.5 इंच। कमर है हमारी 25 इंच, 25 का चौथा हिस्सा 6.3 इंच। हम इसमें आधी इंच की ढिलाई देते हुए कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम तीरा रखते हैं। तीरा था हमारा 11 इंच, इसका हाफ होगा 5.5 इंच, तो हम यहां 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, हम 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये हमने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके आर्म होल ये रखने हैं हमें 6 इंच, और जो सीना था उसका फोर्थ हिस्सा आया था हमारा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच हम यहां रखेंगे। इसमें आधी इंच की ढिलाई देंगे तो 7 इंच रखेंगे हम यहां। अब इसे मार्क कर देते हैं। ये हमारे सीने के लिए है। अब हम कमर की यहां से 10 इंच पे लगाएंगे, 10.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि ये बच्चे का टॉप है। ये हमें रखना है 6.3 इंच प्लस हाफ इंच, यानी 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे हम यहां। और हमें जो चोली की लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो यहां पर हम मार्किंग करेंगे 15 इंच पर। ये देखिए, यहां 15 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब हम सबसे पहले आर्म होल लेते हैं इसके, जो हमने 6 इंच लिए हैं। अब हम इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हम इसे इस तरह से मिलाएंगे, और यहां पर हम 1/4 इंच इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब यहां से हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, गोलाई देते हुए इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर देंगे, और ये मार्किंग कर लेंगे हम यहां पर। ये देखिए, यहां पर भी हमें 7 इंच रखना है, इससे इसे मिला देंगे। अब हम काटते हैं गला, तो हम इसमें बोट नेक बनाने वाले हैं। तो हम ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच, और नीचे गहराई देंगे इसमें 3 इंच की। ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब हम इस तरह से इसमें ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा बोट नेक तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। पूरे में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम यहां से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ड्राफ्टिंग को रखते हुए दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। फिर हमने यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन दे दिया है। इसके बाद हम बैक पार्ट को हटा देते हैं, और फ्रंट पार्ट पर हम यहाँ आर्म होल्स पर 1/2 इंच की गहराई और देंगे। इसके बाद हम रफल कट करेंगे इसकी। तो रफल कट करने के लिए हम सबसे पहले आपको कागज पर करके बताते हैं। इसके लिए हमने एक कपड़ा कागज ले लिया है, इसे एक बार फोल्ड किया है, फिर इसे दोबारा से फोल्ड कर लिया है। ये हमने दो बार फोल्ड किया है। इसके बाद हमें जो हमारी कमर का चौथाई हिस्सा है, चोली का जो चौथाई हिस्सा है हमारा नीचे का, उसकी नाप लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये हमें 6 इंच रफल रखनी है, तो यहां से यहां तक हम 6 इंच नापते जाएंगे और इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और ये हिस्सा है, इसे हम यहां से इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए,
इस तरह से हमारी रफल बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने रफल भी काट लिए हैं, ये देखिए ये हमारी रफल तैयार हो गई है। अब हम आपको टॉप की स्टिचिंग बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम हमारे शोल्डर हैं जो इसके एक तरफ से दोनों पार्टों को जोड़ लेंगे और एक तरफ से हम बाद में जोड़ेंगे। हम यहाँ हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई दे लेंगे। देखिए ये हमने एक तरफ से शोल्डर को जोड़ लिया है। अब हम इसके लिए और एक पट्टियां लेंगे। ये हमने डेढ़ डेढ़ इंच की पट्टी ले ली है, इन्हें हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये पट्टी है, इसे हम इस तरह सिलाई लगाते हुए जोड़ेंगे, इस तरह से। और यहां पर हाफ हाफ इंच का मार्जिन रख, ये देखिए ये हम इस तरह से जोड़ेंगे इन पट्टियों को, और हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इन सब स्ट्रिप्स को जोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अरेबिक पट्टी जोड़कर तैयार कर ली है। अब हम सबसे पहले इसके गले की फिनिशिंग करते हैं। इसके लिए हम पट्टी को डबल फोल्ड करके उल्टी साइड रखेंगे, फिर इस पर यहां पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिए हमें पट्टी उल्टी साइड रखनी है गले के, इस तरह से। और इस तरह से हम सिलाई की फ्रेंड्स, ये हमने गले पर पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसे ऊपर लाते हुए इस तरह से यहां सिलाई लगा देंगे और ये पाइपिंग बनके हमारी तैयार हो जाएगी। पूरे गले पर हम इसी तरह से पाइपिंग निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ गले पर पाइपिंग लगा ली है और इसके बिल्कुल किनारी किनारी में सिलाई लगा ली है। अभी हम हमारा दूसरा शोल्डर है, इसे अटैच कर लेते हैं। हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, इसके बाद हम आर्मोल्स पर भी इसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ गले पर और मुड्डों पर दोनों पर पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे उल्टा करके जो हमने सिलाई मार्जिन रखा था उस हिसाब से इस पर डेढ़ डेढ़ इंच की दूरी पर इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ, फिर हम इसमें रफल अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली है, ये हमारी कंप्लीट तैयार हो चुकी है और ये हमारी रफल है। इस पर हमने पिको कर लिया नीचे, अब हम इसे इस पर अटैच करते हैं। इसके लिए हम इसका सेंटर लेंगे और रफल का सेंटर लेंगे, इस तरह से इसे इसमें अंदर डालते हुए। ये देखिए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाती जाएंगे पूरे पर, और हम इसे इसमें अटैच कर लेते हैं। हम इसमें सिलाई दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें चोली में रफल्स को अटैच कर लिया है और ये हमारा पेपलम टॉप बनकर तैयार है। आप यहां चाहें तो फ्लावर लगा सकते हैं, मैं यहां पर आपको फ्लावर लगाकर बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पेपलम टॉप कंप्लीट हो गया है। इस पे हमने यहां पर फ्लावर लगा दिया है। आप जो चाहें अपने अनुसार डेकोरेशन कर सकते हैं। यहां पर आप चाहें तो स्टोन्स लगा सकते हैं, जिस तरह से स्टोन्स हमने फ्लावर में लगाए हैं। अब हम पहनाकर इसका पूरा लुक आपको बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर टॉप बनकर तैयार हुआ है और इसे पहनने पर कितना सुंदर लुक आया है। आप भी इसे बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।